हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज किस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ न्यू ओपन वर्ल्ड गेम के बारे में। देखो यार, इस वीडियो के अंदर कुछ गेम प्ले स्टोर से है एंड कुछ गेम भाई बाहर से डाउनलोड करनी पड़ेगी, मतलब किसी थर्ड पार्टी ऐप सबको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखो। जो गेम पसंद आता है अब लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि यार, वीडियोज पे ना व्यूज बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके पास नोटिफिकेशन जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। अगर नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, करके दोबारा से सब्सक्राइब करके ना बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। एंड दोस्तों यार, इस वीडियो के अंदर ना प्लीज एक कमेंट कर देना, मतलब कुछ भी कमेंट करना है करो, बस एक कमेंट करो एंड एक लाइक भी करो, ताकि ये जो वीडियो है किसी और लोगों के पास भी जाए एंड वो लोग भी वीडियो को देख पाए। तो प्लीज ऐसा कर देना यार मेरे लिए। तो चलो गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारे लिस्ट पे नंबर 5 पर चुकी है हमारे गेम करने में ट्राइब आरएस ओपन वर्ल्ड रेसिंग। दोस्तों सबसे पहले इस गेम का ग्राफिक चेक करो भाई, कितना बढ़िया ग्राफिक्स है। लिटरली भाई Horizon 5 की तरफ को ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इस गेम का साइज थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है, मतलब 600 MB के आसपास गेम का साइज है। लेकिन जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है, तो बस एक बार डाउनलोड करना है, उसके बाद आप जितना चाहो उतना खेल सकते हो। देखो यार, इस गेम के अंदर आपको काफी सारे सुपर कार, एसयूवी कार, ट्रक, 4x4 ऑफ रोड कार, इस तरीके से बहुत सारे कार्स आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आप चाहो तो सारे के सारे कार को फुल कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड लिटरली भाई, इस गेम के अंदर एक ह्यूज ओपन वर्ल्ड मैप देखने को जाएगा, आप लोग खत्म नहीं कर पाओगे भाई। एंड देखो यार, यहाँ पर आपको विलेज रोड, जो सिटी रोड होती है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। एंड चाहो तो यहाँ पर ऑफ रोडिंग भी कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर एक ऑफ रोड मैप भी आपको देखने को मिल जाता है। तो बड़ा एक अच्छा गेम है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो गाइस, अब बात करते हैं नंबर 4 गेम के बारे में। तो भाई स्किप करने में ओएसटी वाइल्ड डॉलर डो काउबॉय। दोस्तों आप लोगों को पता होगा यार आरडीआर 2 गेम के बारे में, तो ये जो गेम है ना कुछ ऐसा ही होने वाला है। आप लोग समझ लो भाई, आरडीआर 2 आपको मोबाइल फोन पर मिल चुका है, ठीक है। इस गेम के अंदर आप लोग हॉर्स राइडिंग कर पाओगे, ग्राफिक्स देख रहे हो यार कितना बढ़िया ग्राफिक्स है। एंड साथ ही साथ भाई, इस गेम के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट मिशन वगैरह देखने को मिल जाता है। एंड आपके पास एक पिस्तौल भी होता है, ठीक है, तो उसको लेकर आप लोग एनिमी को किल कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे आपको मिशन वगैरह देखने को मिल जाता है। एंड काफी सारे आपको छोटे छोटे जो कूड़े घर टाइप है ना, वो आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग घर के अंदर भी जा सकते हो काफी सारे मिशन वगैरह करने के लिए। एंड इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग हॉर्स राइडिंग करोगे एंड जो पूरा मैप है ना, इसको आप लोग एक्सप्लोर भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही बड़ा मैप है भाई, ग्राफिक्स भी बहुत ही अच्छा है, तो चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इस गेम के जो साइज है वो होने वाला है 290 MB, जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बच्चे का उठ कर लेना। सो गाइस, बात करते हैं नंबर 3 गेम के बारे में। तो भाई, इस गेम का नेम है कार फॉर ट्रेड सेलर सिमुलेटर। दोस्तों इस गेम के बारे में कौन नहीं जानता भाई, कार फॉर सेल तो सबको पता है अभी। देखो दोस्तों, इस गेम के अंदर एक न्यू अपडेट आ चुका है। इस अपडेट के अंदर लिटरली भाई 16+ सुपर कार एड हो चुका है, कार मार्केट एड हो चुका है, गैस स्टेशन एंड ऑकेशन भी यहाँ पर एड हो चुका है। मतलब पीसी गेम के अंदर जो जो चीज है ना, सारे के सारे चीज दोस्तों आपको मोबाइल फोन पर देखने को मिल रहा है। देखो यार, इस गेम के अंदर डॉज, मस्टैंग, सुप्रा, निशान जीटीआर, इस तरीके से बहुत सारे सुपर कार ऐड हो चुका है। अब देखो यार, गेम खेलने में तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो इसलिए अब भी जाओ इस गेम को डाउनलोड करो। एंड लिटरली दोस्तों, आपको तो पता ही है, इस गेम के अंदर आपको पुराना कार को बाय करना होता है, उसको कस्टमाइज करना होता है, उसको अच्छे दाम पर बेच दो एंड प्रॉफिट कमाओ, यही तो गेम है भाई। एंड इस गेम का साइज है भाई 350 MB, जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन भी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, बात करते हैं नंबर 2 गेम के बारे में। तो भाई, इस गेम का नेम है GTA San Andreas। दोस्तों अगर आपको ओपन वर्ल्ड गैंगस्टर टाइप गेम खेलना है, तो भाई ये गेम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। देखो यार, ये जो गेम है ना, एक रिमास्टर्ड गेम है, ठीक है। इसका ग्राफिक्स थोड़ा सा अच्छा हो चुका है एंड काफी सारे इंडियन कार आपको देखने को मिलेगी इस गेम के अंदर। देखो भाई, इस गेम को डाउनलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई ये जो गेम है आपको प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये रिमास्टर्ड वर्जन है। तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन या फिर कॉमेंट सेक्शन पे। सबसे पहले दोस्तों, आपको ओबीबी एंड जो एबीके फाइल है उसको डाउनलोड करना है। जो एबीके फाइल होगा उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड जो ओबीबी फाइल है उसको आपको एंड्रॉइड ओवी पर जाकर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यही कुछ करोगे और उसके बाद दोस्तों आप लोग आराम से इस गेम को खेल सकते हो। उस गेम के अंदर आप लोगों को काफी सारे कार देखने को मिल जाएगा, काफी सारे इंडियन कार, बाइक्स, हेलीकॉप्टर वगैरह आप लोग चला पाओगे एंड बहुत सारे आपको मिशन वगैरह देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इस गेम की साइज के बारे में। तो साइज होने वाला है 800 MB एंड जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, जाके चेकआउट कर सकते हो। देखते देखते हम आ चुके हैं नंबर 1 गेम पर। तो भाई, इस गेम का नेम है कार्स LP एक्सट्रीम कार ड्राइविंग। दोस्तों ये जो गेम एकदम से न्यू गेम है एंड ये गेम बेसिकली भाई कार्टून टाइप गेम होने वाला है। तो अगर आपको कार्टून देखना पसंद है, मतलब आप लोग कार्टून वगैरह देखते हो, तो ऐसा ही कुछ गेम खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो भाई इस गेम को। इस गेम के अंदर आपको फ्री राइड, रेसिंग मोड, ट्रैक रेसिंग, ड्रिफ्टिंग, इस तरीके से अलग अलग मोड्स आपको देखने को मिल जाएगी एंड काफी सारे सुपर कार, एसयूवी कार एंड ऑफ रोड कार भी आपको देखने को मिल जाता है। देखो भाई, इस गेम के अंदर आपको डे नाइट दोनों मोड ही देखने को मिल जाता है एंड बहुत ही बड़ा एक ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड काफी सारे मिशन है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो भाई इस गेम को। एंड इस गेम का साइज बहुत
ज्यादा कम है भाई, 75 MB गेम का साइज है एंड जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है। तो अगर आपके पास छोटा मोटा डिवाइस है, मतलब 1 GB रैम की डिवाइस है ना, तब भी भाई ट्राई कर सकते हो, कोई भी लैग नहीं होने वाला। ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। होप करते हो कि वीडियो पसंद आया, पसंद है तो एक लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर सकते हो इस तरीके से वीडियो और भी देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अच्छे रहना, ख्याल रखना, बाय बाय।